कोरोना पता नहीं कब जाएगा, साला 2 साल हो गया जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्कूल बंद, रेस्टोरेंट बंद, पार्क बंद, कहीं बाहर जा नहीं सकती, बाहर का कुछ खा नहीं सकती। हे भगवान कुछ कर, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। चलो यूट्यूब पे फूडी रूपेश का चैनल देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें फूड और ट्रैवल्स के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं। मैंने तो सब्सक्राइब किया है, आप भी नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं आज कौन सा वीडियो आया है। वाओ, ट्रैवल्स का, और इसमें तो भगवान के साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं। और ये वीडियो देख के तो मुझे भी भगवान के दर्शन करने का मन हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। एक काम करती हूँ, मंदिर को जाके बोलती हूँ, वो पापा को बोलेगा और पापा मान जाएंगे और मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। मैं तो मेरा सारा काम ऐसे ही करवा लेती हूँ। चलो फिर मन भाई के पास जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपेश और आज के एपिसोड में मैं आपको हमारे गांव के 3 फेमस मंदिर है जिसमें लेके जाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको महादेव के मंदिर में लेके जाने वाला हूं, सेकंड हम जाएंगे राम जी मंदिर में, उसके बाद जाएंगे अम्बा माता जी के मंदिर में। सो गाइस, चैनल के लास्ट तक जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस, भोलेनाथ का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो प्ले। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग आए हैं रामेश्वर महामंदिर में और हमारे साथ एक अंकल है जो इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सर, अपना नाम बताइए। भास्कर भाई हीरा भाई पटेल। भास्कर भाई, इस मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई। ये भी उसकी 2014 में, सन 2014 में इसकी स्थापना हुई थी महादेव मंदिर की। सर, और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर जयंती भाई बालू भाई पटेल इसने पूरा निर्माण किया। अच्छा। हाँ, और उसके सेवा में पैसे हमको भेज दिया। अच्छा। कि तुम वो सेवा करो। हाँ। 5 साल हुआ, पैसे महाराज बुलाया। अच्छा। महाराज हरिद्वार से महाराज आया। हाँ। अभी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। सो गाइस, यहाँ पे एक जयंती भाई करके डोनर है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और इनको सेवा करने के लिए
भास्कर भाई को रखा है, तो भास्कर भाई से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। गाइस, तो हमारा महादेव मंदिर का दर्शन हो गया। अभी मैं आपको लाया हूँ श्री राम जी मंदिर में। अब यहाँ के भगवान के दर्शन करते हैं, ठीक है? आ जाओ मेरे साथ।
गाइस हमारा रामजी मंदिर का दर्शन हो गया और हम लोग आए हैं अभी अम्बा माता जी के मंदिर में। ये लगभग 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गाइस देवी माँ के अंदर दर्शन करते हैं अम्बा माता जी के मंदिर का। तो फिर चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, ठीक है। तो गाइस सारे मंदिर के दर्शन हो गए, हम लोग घर के लिए निकल रहे थे बट बच्चे लोग को भूख लगा है तो चलो मैं बोला हमारे गांव में एक फूड स्टॉल है, यहाँ मेरे पीछे दिख रहा होगा जे अम्बे खमन करके, यहाँ पे खमन फाफड़ा और जलेबी ये सब मिलता है। तो चलो ये भी देख लो अब एंड तक, ठीक है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है और कुछ ऑर्डर करते हैं हम लोग भी, आ जाओ। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा यहाँ का फूड स्टॉल है हमारे गाँव का, यहाँ पर खमन, इदड़ा, जलेबी, फाफड़ा ये सब खाने को मिलता है और ये रही यहाँ पे चटनी, साथ में प्याज भी है और मिर्ची भी है। तो योगेश भाई बताइए ये स्टॉल आप कब से चला रहे हैं? ये स्टॉल मेरा अभी 7 महीना ऐसा हो गया। 7 महीना हो रहा है, अच्छा। तो एक काम करिए हम लोग को भी आपके यहाँ का स्टॉल का ज़रा खमंड और जलेबी चखा दीजिए। तो गाइस देखो ये हमारे यहाँ का खमन है गांव का, काफ़ी टेस्टी है। बेसिकली मैं तो यहाँ से खाते ही रहता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर वीडियो बनाना था इसलिए मैं इधर आया आपको बताने के लिए। अगर आप चिसगांव विज़िट कर रहे हो तो इधर पे ज़रूर आइएगा। इनका ओपनिंग का टाइम है सुबह 8 बजे से रहता है और लास्ट 10-11 बजे तक रहता है, ठीक है। और साथ में ये जलेबी भी है देख सकते हो, अच्छी है, थोड़ी जूसी भी है, काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस सारे भगवान के दर्शन हो गए, मैंने पूरा मंदिर आपको घुमाया, लास्ट में बच्चे लोगों को भूख लग रहा था तो यहाँ का आपको छोटा सा फूड स्टॉल भी दिखा दिया। वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं मिलना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।